हम लोग पहुंचे बेटा अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में, बिजनेस एक्विजिशन में। ये क्वेश्चन 11 है। अब इसमें क्या खास या अलग बात है, इसमें लॉन्ग सम वाला मेथड मतलब नेट एसेट और पीसी के कैलकुलेशन, और शॉर्ट सम वाला मेथड मतलब वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स वाला मेथड, दोनों मेथड कंबाइन है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बार, जिसमें लॉन्ग सम और शॉर्ट सम दोनों मेथड कंबाइंड हो। यहाँ पे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड नितिन ऑन 31/3/16 इज एज फॉलोस। मैं बैलेंस शीट पहले रीड नहीं करूंगा, पहले मैं एडजस्टमेंट्स रीड करूंगा। पायल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब पायल कंपनी हुआ न्यू कंपनी मतलब हम, और अरविंद एंड नितिन हुआ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो मैं यहाँ पे आंसर में सबसे पहली लाइन में यही लिख देता हूँ कि हम कौन और सामने वाला कौन। हम लोग हैं इस क्वेश्चन में पायल लिमिटेड, पायल कंपनी लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी मतलब परचेजर, हम लोग हैं न्यू कंपनी मतलब परचेजर पायल लिमिटेड, और ऑपोजिट पर्सन है मेसर्स अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म, मैसर्स अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म, ये ऑपोजिट पर्सन है, यही सेलर और वेंडर है, और इसी को हम लोग वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट यही होता है। ठीक है, तो हम मतलब परचेजर पायल लिमिटेड और ऑपोजिट पर्सन मतलब अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म, यही सेलर या वेंडर है, इसी को हम लोग वेंडर सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आगे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है पायल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द अबव बिजनेस। अब यहां पे जो लिखा हुआ है अबव बिजनेस मतलब उसमें एसेट्स भी आ गए और लायबिलिटीज भी आ गई। द टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोस, द कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब इसमें लॉन्ग सम और शॉर्ट सम दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों मेथड कंबाइन हो जाएंगे। एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मतलब ये जो डेटर्स है वो न्यू कंपनी नहीं लेके गई, तो मैं एक क्रॉस लगा देता हूं यहाँ पे डेटर्स में। मैं यहाँ पे डेटर्स में एक छोटा सा क्रॉस लगा देता हूं, डेटर्स जो है वो न्यू कंपनी नहीं लेके गई, और क्रेडिटर्स में भी मैं एक छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ, न्यू कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स भी नहीं लेके गई, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स में मैंने क्रॉस लगा दिया। हाँ, ये डेटर्स 45,000 और क्रेडिटर्स 25,000 कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, 45,000 और 25,000। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ मेरा, ये नेट एसेट वाला स्टेप वन है, ये परचेज कंसिडरेशन वाला स्टेप टू है, ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व स्टेप थ्री है। अब यहाँ पे वेंडर्स डेटर्स जो है वो है 45,000 और वेंडर्स क्रेडिटर्स जो है वो है 25,000। ठीक है, डेटर्स 45,000 है, क्रेडिटर्स 25,000 है। आगे इसकी कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स का ये सारा कैलकुलेशन का फॉर्मेट बना के रखा है मैंने। कमीशन का ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये कमीशन का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और ये फाइनल सेटलमेंट, ये सारा फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, आप लोग भी पहले से बना के रखो तो अच्छा, क्योंकि फॉर्मेट हमेशा सेम होता है। आगे अब डेटर्स 45,000 और क्रेडिटर्स 25,000 ये मैंने वर्किंग नोट में लिख दिया, जर्नल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स होते हैं। आगे सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स इज टू बी टेकन एट 99,000। अब ऊपर देखें सन्ड्री एसेट्स, ये सन्ड्री एसेट्स की ओल्ड वैल्यू है 1 लाख, ये 1 लाख हमारे काम का नहीं है, न्यू वैल्यू कितनी है 99,000, ये 99,000 हमारे काम का है। तो यहाँ पे नेट एसेट्स में मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स की मार्केट वैल्यू
सन्ड्री एसेट्स की मार्केट वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, मार्केट वैल्यू 99,000। तो मैं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा 99,000। डन। आगे फिर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,000। अब अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दिया हुआ है, मतलब ये गुडविल की मार्केट वैल्यू है 21,000। अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दिया हुआ है, मतलब ये गुडविल की मार्केट वैल्यू है 21,000। और अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो यहां से ही समझ जाओ कि पीसी में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। गुडविल यहां पे दिया है 21,000, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट। अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है, मतलब 100% जब हम पीसी के कैलकुलेशन करेंगे परचेस कंसिडरेशन, उसे कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। आगे उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट, द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज्ड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, ये 10 है, ऑफ ₹10 ईच एंड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 4:1 रेस्पेक्टिवली। अब ये कैसे सॉल्व होगा 4:1, मैं धीरे धीरे करके समझाता हूं। इसी में जाएंगे, पीसी में फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू कंपनी का। इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे वो पता नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹100। अब क्या होगा, जितना भी यहाँ पे पीसी आएगा, जितना भी यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन आएगा, उसका हम लोग 4:1 कर देंगे, मतलब 4/5 और 1/5। तो जितना भी यहाँ पे पीसी आएगा उसका 4/5 करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, और जितना भी यहाँ पे पीसी आएगा उसका 1/5 कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो पीसी आएगा जब लास्ट में, उसका 4/5 और 1/5 कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी बाद में, जब पीसी आ जाएगा उसके बाद। आगे फिफ्थ पॉइंट, द कंपनी एग्रीज टू कलेक्ट द डेटर्स एंड पे ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर। वो तो ऐसा ही होना था, डेटर्स को कलेक्ट करेगी न्यू कंपनी, मतलब हम डेटर्स को कलेक्ट करेंगे लेकिन पुरानी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, और क्रेडिटर्स को पे करेंगे वो भी पुरानी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे। द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू 3% कमीशन ऑन अमाउंट कलेक्टेड एंड पेड ऑफ। 3% कमीशन न्यू कंपनी को मिलेगी, अमाउंट कलेक्टेड पे भी और पेड पे भी। ये 3% हमारे काम का है, मैंने वर्किंग नोट बना के रखा है इसका, कमीशन का ये रहा। इसमें 3% कमीशन है ऑन अमाउंट कलेक्टेड एंड 3% कमीशन है ऑन अमाउंट पेड। तो जितना भी कलेक्टेड होगा अमाउंट वो यहाँ पे आएगा। कलेक्ट हम किससे करेंगे, ऑब्वियसली डेटर्स से, और पे किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को। दोनों पे 3% कमीशन हमको मिलेगा। आगे तो मेरे दिमाग में क्या है, फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, मैं फॉर्मेट पहले से बना के रखता हूँ, बाद में सिर्फ नंबर्स फिलअप होते हैं। अब सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है बैड डेट्स amounted to 5,000 out of the debtors and they were allowed 5% discount. Bad debts amounted to 5,000 and they were allowed 5% discount. Debtors to the tune of 8,000 are yet to be collected. अब ये तीन amounts याद कर लो, इसके बाद creditors हैं, creditors बाद में solve करेंगे, पहले तीन amount याद करो, 5,000 bad debt, 8,000 are yet to be collected, मतलब debtors outstanding, और ये 5% discount. ये नंबर्स याद करो, 5,000 बैड डेट, 8,000 येट टू बी कलेक्टेड और 5% डिस्काउंट। याद रखना 5,000, 8,000 और 5%। ये डेटर्स है, डेटर्स में से 5,000 बैड डेट हुआ, डेटर्स में से 5,000 बैड डेट हुआ, 8,000 येट टू बी कलेक्टेड,
डेटर्स में थे, 5000 बैड डेट हुआ, 8000 येट टू बी कलेक्टेड, ठीक है, 5000 रुपए डेटर से नहीं मिला, 8000 रुपए अभी और भी कलेक्ट करना बाकी है, और जितना पैसा कलेक्ट हुआ उसमें से दो पार्ट्स हो जाएंगे, जितना पैसा कलेक्ट हुआ इसमें से दो पार्ट्स हो जाएंगे, जो डेटर्स हमको पैसा देंगे वो लोग 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा देंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो डेटर्स थे 45,000, उसमें से ये 8,000 और 5,000 मैं पहले माइनस कर दूंगा, जो डेटर्स थे टोटल 45,000 के, उसमें से 8,000 के डेटर्स अभी भी कलेक्ट करना बाकी है, 5,000 रुपए बैड डेट्स हुआ, बाकी कितने डेटर्स कलेक्ट हो गए, तो 45,000 माइनस 5,000 माइनस 8,000, मतलब इस 45,000 में से ये 5,000 और 8,000 माइनस कर देंगे, तो 32,000 के डेटर्स कलेक्ट हो गए। अब जो डेटर्स कलेक्ट हो गए उन लोगों ने 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा दिया, तो 32,000 का 5% ये होता है 1600 रुपए। तो जो डेटर्स ने हमको पैसा दिया उन लोगों ने 5% डिस्काउंट काट के दिया, तो 32,000 का 5% होता है 1600, बाकी पैसा हमको मिल गया होगा कैश रिसीव्ड, बाकी का पैसा हमको मिल गया होगा, मतलब 32,000 के डेटर्स जो कलेक्ट हो गए उसमें से 1600 डिस्काउंट नहीं मिला, बाकी 30400 इतना पैसा हमको मिल गया। ये डेटर्स की सारी कैलकुलेशन हो गई, 5000 8000 और 5% अगर आपको याद हो तो 5000 बैड डेट्स हुआ, 8000 स्टिल टू बी कलेक्टेड और 5% डिस्काउंट अलाउड, तो ये 45,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसमें से 5 और 8 दोनों माइनस कर देंगे, यहाँ पे 45 माइनस 5 माइनस 8 32,000, उसे दे 5% डिस्काउंट, बाकी का पैसा हमको मिल गया। नेक्स्ट, अभी क्रेडिटर्स में जाते हैं। ये कैलकुलेशन परफेक्ट करोगे तो एंट्रीज वगैरह न्यू बैलेंस शीट वगैरह इजीली बनेगा। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में लिखा क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 10% डिस्काउंट, बस सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट। ये क्रेडिटर्स है 25,000, इनको हम लोगों ने 10% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा हमने पे कर दिया। अब ये नहीं बताया हुआ है कि क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग जीरो होंगे, बताया हुआ नहीं है कि कितने आउटस्टैंडिंग है, तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग जीरो होंगे। तो 25,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से जीरो आउटस्टैंडिंग, बाकी 25,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया होगा, मतलब ये 25,000 कैसे आया, इक्वल टू 25,000 के टोटल क्रेडिटर्स माइनस जीरो, जीरो आउटस्टैंडिंग, मतलब ये वाला 25,000 माइनस ये वाला जीरो, तो बाकी बचा 25,000। ये 25,000 के क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट माइनस करके, मतलब 25,000 का 10% होता है 2500, तो 2500 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके बाकी का पैसा हमने पे कर दिया होगा, तो बाकी का पैसा कितना बचा, 25,000 माइनस 2500, बाकी पैसा बचा 2200, इतना पैसा हमने पे कर दिया होगा। अब डेटर्स के तीन पार्ट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग, बैड डेट्स, कलेक्टेड। क्रेडिटर्स के दो ही पार्ट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग और पेड, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है बैड डेट्स वाला पार्ट वो क्रेडिटर्स में नहीं होता है, क्रेडिटर्स के दो ही पार्ट्स होते हैं। आगे ये एडजस्टमेंट भी, इसके बाद लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट द वेंडर्स वर पेड देयर ड्यूज, मतलब इसको मेरी भाषा में बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट, अज्यूमिंग दैट द वेंडर्स वर पेड देयर ड्यूज पास नेसेसरी जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अबाउट ट्रांजैक्शंस। तो अभी कमीशन की कैलकुलेशन बाकी है, कमीशन की कैलकुलेशन बाकी है और फाइनल सेटलमेंट की कैलकुलेशन बाकी है। पहले कमीशन, अच्छा बैड डेट रिकवरी बताया हुआ नहीं है कितना, बैड डेट रिकवरी बताया हुआ नहीं कितना, तो हम अज्यूम करेंगे कि बैड डेट रिकवरी जीरो होगा, ठीक है, बैड डेट रिकवरी नहीं बताया हुआ है कितना, तो हम अज्यूम करेंगे कि जीरो होगा। कमीशन लिखा हुआ था 3%,
ऑन अमाउंट कलेक्टेड। तो अमाउंट कलेक्टेड एक ये था 30,400 जितना डेटर से मिला, प्लस ये जीरो बैड रिकवरी का। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 30,400 प्लस जीरो, तो अमाउंट कलेक्टेड हुआ 30,400। उसमें 3% कमीशन हमको मिलेगा, तो 30,400 का 3%, 30,400 का 3% ये होता है 912। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3% कमीशन ऑन अमाउंट पेड, तो हमने अमाउंट पे कितना किया क्रेडिटर्स को, हमने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया ये वाला 22,500। इस 22,500 पे, इस 22,500 पे 3% कमीशन। अब 22,500 का 22,500 का 3% ये होता है 675, टोटल कमीशन 1587। ठीक है, इसलिए मैंने सारा फॉर्मूला लगा के रखा है पहले से। आगे अब फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट में हम लोगों को कितना पैसा कलेक्ट हुआ फ्रॉम डेटर्स 30,400 इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवरी। डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ 30,400, क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया 22,500। इन दोनों को प्लस करके ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये कमीशन माइनस होगा। तो हमको पैसा मिला कितना डेटर से 30,400, हमने पे कितना किया, सॉरी ये माइनस होगा, हमने पे कितना किया 22,500। तो इतना पैसा आया हमारे पास, उसमें से इतना पैसा गया, उसमें से हम अपनी कमीशन का पैसा ये वाला 1587 माइनस करके बाकी का पैसा वेंडर को पे कर देंगे 6313। ये फाइनल सेटलमेंट। अब मैंने क्या किया, जो डेटर्स की जर्नल एंट्री होती है वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स की, मैंने यहाँ पे सब जगह पे फॉर्मूला लगा के रखा है। ठीक है, मैंने सब जगह पे फॉर्मूला लगा के रखा है, इसलिए मेरी एंट्रीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ये एंट्री थोड़ी गलत है, ये एंट्री मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। कैश एंड बैंक डेबिट, वेंडर सस्पेंस डेबिट, इसमें आएगा बैड डेट्स और डिस्काउंट का टोटल। मैं समझा दूंगा सारा फिर से एक बार, मैं फॉर्मूला डाल दूं बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। यहां पे आएगा ये वाला 30,400। अब सही है। और यहाँ पे बैड डेट रिकवरी में, यहाँ पे बैड डेट रिकवरी में ये वाली अमाउंट, अब सही है। मैं सारी एंट्री समझा दूंगा, मैंने क्या फॉर्मूला बना के सब जगह पे मैंने फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया, तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेरी जर्नल एंट्री हो गई। बट आप लोगों को मैं पूरा फिर से समझा दूंगा ये सारी एंट्रीज। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन भी हो गई, जर्नल एंट्री मैं समझाऊंगा, कैलकुलेशन मैंने समझा दी यहां तक आप लोगों को। अब एडजस्टमेंट हो गई, लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस। अब अंटिक आइटम्स, अंटिक आइटम में सन्ड्री एसेट्स हो गया हमारा, डेटर्स नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट कुछ बताया हुआ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लेंगे 33,000। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो इसको एसेट्स में लेंगे हम लोग 33,000 इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है, तो इसको हम लोग लेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। आगे फिर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये नहीं लेंगे, ये फिक्टिशियस एसेट होता है, ये नहीं लेंगे। फिर कैपिटल अरविंद और नितिन का नहीं लेंगे, कैपिटल अरविंद और नितिन का नहीं, रिजर्व्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन पर नॉन सन्ड्री एसेट्स 10,000 इस सम में नहीं लेंगे, क्योंकि इस सम में सन्ड्री एसेट्स की मार्केट वैल्यू दी हुई थी 99,000। वैसे क्या होता है, अगर सन्ड्री एसेट्स की मार्केट वैल्यू ना दी हो, तो हम लोग 1,00,000 में थे, ये 10,000 माइनस करके, ये 1,00,000 में थे, ये 10,000 माइनस करके बाकी 90,000, बाकी 90,000 हम लिखते, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी होती तो हम 90,000 लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स की मार्केट वैल्यू दी हुई है 99,000, तो ये 1,00,000 भी हमारे
काम का नहीं है, ये 10,000 भी हमारे काम का नहीं है। क्रेडिटर्स नहीं लेना है, प्रोविडेंट फंड लेंगे, वर्कर सेविंग बैंक अकाउंट लेंगे, प्रोविडेंट फंड 20 और वर्कर सेविंग बैंक अकाउंट 33, ये दोनों लायबिलिटीज में लेंगे। ये 20,000, ये 33,000, प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी होती है और वर्कर्स सेविंग सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये दोनों लायबिलिटीज में लेंगे। ठीक है, अभी और कुछ अंटिक आइटम नहीं बचा, एडजस्टमेंट भी सारी मैंने रीड कर ली, सॉल्व कर दी, ओल्ड बैलेंस शीट में दे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, कैपिटल नहीं, रिजर्व्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन फंड इस सम में नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, प्रोविडेंट फंड लेंगे, हाँ लायबिलिटीज में आएगा, वर्कर सेविंग बैंक अकाउंट ये भी लायबिलिटी में आएगा, वर्कर्स का सिर्फ एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड होता है जो नहीं लेते, वर्कर्स का सिर्फ एक ही फंड होता है वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वो नहीं लेते हैं, बाकी सारे वर्कर्स के फंड लेते हैं। अब जो लाइंस खाली रह गई उन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूं, तो ये एसेट्स का टोटल यहां पे आ जाएगा, इन तीनों एसेट्स का टोटल। अब इन तीन एसेट्स का टोटल है 1,53,000। अब लाइबिलिटीज में 20 और 33, 53,000। 153 एसेट्स का टोटल है, लाइबिलिटीज का टोटल 53 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा 1,00,000। ये हमारा नेट एसेट्स आ गया 1,00,000। ठीक है, अब बाकी जो फालतू लाइंस बच गई बीच में एक्स्ट्रा लाइंस, ये लाइंस डिलीट कर देते हैं जितनी काम नहीं आई। ये नेट एसेट्स आ गया 1,00,000। अब पीसी में मैंने आपको बोला था कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी, पीसी में दो अमाउंट है, दोनों मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले जितना नेट एसेट का टोटल आया 1,00,000, ये जो नेट एसेट का टोटल आया 1,00,000, वही मैं पीसी में लिख दूंगा 1,00,000, क्योंकि पीसी बताया हुआ नहीं है कितना। तो जितना नेट एसेट आया 1,00,000, जितना नेट एसेट आया 1,00,000, वही मैं पीसी में लिख दूंगा 1,00,000। अब ये 1,00,000 रुपीज का मैं 4:1 करूंगा, तो ऑब्वियसली 1,00,000 का 4:1 होता है 80,000 और 20,000। 1,00,000 का 4/5 और 1,00,000 का 1/5, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 80,000 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा यहाँ पे 80,000 डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 8,000 शेयर्स। 80,000 डिवाइड बाय 10 तो ये आएगा 8,000 शेयर्स। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स में, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स में ये जो 20,000 आया उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आएगा 200 शेयर्स, 200 प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले 80,000 डिवाइडेड बाय 10 तो 8,000 शेयर्स आ जाएगा, फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 200 शेयर्स आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में ये 8,000 शेयर्स काम नहीं आएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि रिमेनिंग शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, तब ये 8,000 शेयर्स हमको बहुत काम आता, अगर रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक वाली एंट्री होती तो। इस क्वेश्चन में नहीं है, रिमेनिंग शेयर्स में ये 8,000 काम आएगा। आगे इस क्वेश्चन में रिमेनिंग शेयर्स नहीं है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि गुडविल की मार्केट वैल्यू डायरेक्टली एडजस्टमेंट में दी हुई थी, ये गुडविल की मार्केट वैल्यू 21,000 डायरेक्टली एडजस्टमेंट में दी हुई थी, तो स्टेप 3 इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ था, तो स्टेप 3 नहीं होगा। इसको आप वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स को स्टेप 4 बोल सकते हो। ठीक है,
और इसकी कैलकुलेशन मैंने बता दी सारी, वेंडर्स डेटर्स वेंडर्स क्रेडिटर्स वाली फाइनल सेटलमेंट तक। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री दूंगी एक एक करके। सबसे पहली जर्नल एंट्री नेट एसेट्स वाली, पहली जर्नल एंट्री नेट एसेट्स की, दूसरी जर्नल एंट्री पीसी वाली, और ये जो वेंडर्स डेटर्स वेंडर्स क्रेडिटर्स है यहां से लेकर एंट्री का नंबर हो जाएगा 3, 4, 5A, 5B। इनका सिर्फ मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, 6, 7, 8। जो पहले एंट्री नंबर 1 से लेकर 6 था उनका मैंने सिर्फ नंबर चेंज कर दिया 3 से लेकर 8। अब एंट्री नंबर 1 जो होगी वो नेट एसेट्स वाली एंट्री होगी। नेट एसेट्स में क्या होता है, हम जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में कर रहे हैं, हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। तो ये सारे नेट एसेट्स हमने खरीदे, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000, गुडविल डेबिट 21,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 33,000। मैं एक एक करके लिख देता हूं, सन्ड्री एसेट्स गुडविल इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी पहली एंट्री। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। अब ये था 99,000, ये था 21,000 और ये था 33,000। ये एसेट सारे डेबिट हो गए। अब लायबिलिटी साइड पे एक था प्रोविडेंट फंड, मेरे को याद है इसकी अमाउंट थी 20,000, और एक था वर्कर्स सेविंग बैंक अकाउंट, वर्कर्स सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट शायद मैंने गलत लिखी है, 99 सही है, 21 सही है, ये 33 शायद मैंने गलत लिखा है, सही है 33 भी, 99, 21, 33 तीनों सही है। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट होगा, वर्कर सेविंग बैंक क्रेडिट होगा, 20 और 33। अब जितना भी डिफरेंस होगा डेबिट माइनस क्रेडिट, उसको बोलेंगे पुरानी पार्टनरशिप फर्म का नाम, टू मैसर्स अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, जितना डेबिट माइनस क्रेडिट डिफरेंस हो। तो डेबिट का टोटल है 153, क्रेडिट का टोटल है 53, डिफरेंस आएगा 1 लाख। डिक्लेरेशन लिख देना, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। फिर ये जो मैसर्स अरविंद एंड नितिन पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ, इसको दूसरी एंट्री में डेबिट कर देंगे, मैसर्स अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 1 लाख। मैसर्स अरविंद एंड नितिन पार्टनरशिप फर्म अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख रुपीज हमने किस तरीके से दिया, 80,000 रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया और 20,000 रुपीज का हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया। ये पीसी की जो कैलकुलेशन थी वो पहली एंट्री नेट एसेट्स वाली, दूसरी एंट्री पीसी वाली। तो 80,000 रुपीज का हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 20,000 रुपीज का हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मीटिंग बेटा आधे मिनट में कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन हो जाना सब लोग। तो पहली एंट्री नेट एसेट वाली, दूसरी एंट्री पीसी वाली, इसके बाद सारी एंट्रीज वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स वाली, ये मैं अभी समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर लिख लेना।